अच्छा, अभी इसको ना हमें बाइजेक्टिव प्रूफ करना है, तो बाइजेक्टिव प्रूफ करने के लिए हमको इसको 1-1 प्रूफ करना पड़ेगा और ऑन टू प्रूफ करना पड़ेगा। तो आप इसको 1-1 प्रूफ करो और ऑन टू प्रूफ करो। तो 1-1 कैसे प्रूफ करोगे? कल भी बताया था आपको कि करना है इसको 1-1। जो ए सेट है वो ऑल रियल नंबर्स हैं 2 को छोड़कर, और बी बी वो सेट है ऑल रियल नंबर्स हैं 1 को छोड़कर। ये फंक्शन एफ एक्स है, आपको 1-1 प्रूफ करना है। तो आप क्या करोगे, क्या तरीका बताया था आपको कि x1 x2 आप 2 रियल नंबर लोगे, यानी x1 x2 ए को बिलोंग करते हैं, x1 x2 ए को बिलोंग करते हैं, इसको 2 रियल नंबर हैं जो ए को इसमें बिलोंग करते हैं डोमेन में। और कैसे हैं कि आप इसको लिखोगे f(x1) = f(x2), और इसमें आप f(x1) की वैल्यू डाल दो। तो f(x1) की वैल्यू बता दो, x1 - 1 x1 - 2, और इधर f(x2) की वैल्यू कितनी आएगी, x2 - 1 x2 - 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x1 x2 - 2x1 -x2, और माइनस माइनस प्लस का 2 = x1 x2 -x1 - 2x2 और प्लस का 2। क्या इतना ठीक है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप इसको सॉल्व कर दो। सॉल्व करिए, क्या क्या आएगा, ये कैंसिल, हाँ x1 इधर आ गया, माइनस का x1 बचा, 2 से 2 कैंसिल, ये x2 इधर चला गया, माइनस x2 बचा, तो देयर फोर x1 = x2। यही तो प्रूव करना होता है 1-1 के लिए। राघव चावला, ललित, राघव चावला, ललित, अंकुश दहिया, अनीश, कुणाल, शांतनु, हरदीप, रुद्राक्ष, बाकी और बच्चे जो बचे हैं सारे के सारे अपना कैमरा ऑन कर लें। तो यहाँ से x1 = x2 हो गया। क्वेश्चन में क्या है कि क्वेश्चन हमारा सीधा सीधा क्वेश्चन है कि एक fx दिया हुआ है, फंक्शन हमारा x-1/x-2, f(x1) = f(x2) लिया, इसकी वैल्यू डाली, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, x1 = x2 आ गया। तो ये बात तो हो गई हमारी, ये बात तो हुई हमारी तब जबकि 1-1 प्रूव करना था। तो देयर फोर फंक्शन इज 1-1। अगर हमको ऑन टू प्रूव करना हो तो ऑन टू कैसे प्रूव करेंगे? उसके लिए सिंपल तरीका होता, आप इसको वाई के इक्वल ले लो, x-1/x-2, और यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके, या आप ऐसा करो इसका ना रेंज निकाल दो कि रेंज कितना आ रहा है। तो रेंज कितना आएगा, आप इसको वाई के इक्वल लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहां से एक्स की वैल्यू फाइंड करो, एक्स जब एक्स इधर आया, एक्स कॉमन ले लिया, y-1 = 2y-1, x = 2y-1/y-1। एक तो यहां पर वाई की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, वाई 1 नहीं हो सकता, तो y is not 1। एक एक्स जो होगा तो वो डोमेन में नहीं है, 2 जो ये 2 है वो डोमेन में नहीं है। तो एक्स की वैल्यू अगर आप 2 लेंगे, एक्स की वैल्यू 2, तो वाई आपका कितना आ जाएगा, अगर आप एक्स को 2 लेते हो तो ये आ जाएगा 2y-1/y-1, क्रॉस मल्टीप्लाई करना। अगर एक्स को 2 लिया, अगर आपने x को 2 लिया, y की कोई भी वैल्यू लेते हैं इसको, तो क्या ये इसको इक्वल आएगा? तो यानी कि कोई वैल्यू भी ऐसी नहीं आएगी यहां पर, x की वैल्यू जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, 2y - 2, 2y - 2 = 2y-1,
2y से 2y कैंसिल, 2 इक्वल टू 1 आ रहा है, जो कि ट्रू नहीं है। यानी कि हमारी x की वैल्यू जो होगी 2 के लिए भी ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, 2 के लिए भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो कुल मिला के हमारा जो डोमेन हुआ, तो डोमेन क्या हुआ, वो कोडोमेन, कोडोमेन देखो हमारा था r माइनस वन, कोडोमेन था हमारा r माइनस वन, और यहां से y की वैल्यू 1 के अलावा कोई भी रियल नंबर आ सकता है, y की वैल्यू 1 के अलावा कोई भी रियल नंबर आ सकता है। तो इस फंक्शन का रेंज क्या हुआ, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1, तो यही तो कोडोमेन भी है, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1, 1 के अलावा कोई भी, 1 के अलावा कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो रेंज और कोडोमेन दोनों इक्वल आ गए, या हम ये भी कह सकते हैं कि फॉर एवरी एलिमेंट, फॉर एवरी एलिमेंट वाई बिलोंग्स टू बी, देयर एग्जिस्ट अ प्री इमेज इन ए, मतलब वाई की हर वैल्यू के लिए उसकी प्री इमेज एग्जिस्ट करती है। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ वाई देयर एग्जिस्ट अ प्री इमेज इन ए, तो देयर फॉर दिस इज ऑन टू, तो ये ऑन टू भी है, तो ये फंक्शन वन वन भी है, ऑन टू भी है, देयर फॉर दिस इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन, देयर फॉर दिस इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। तो इस तरह से आप बाइजेक्टिव फंक्शन को प्रूव कर दोगे, वन वन और ऑन टू। इसके आगे में आपको, अब आगे हम चलते हैं, इसके क्वेश्चंस करके लाओगे। अब कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, सपोज करो एक फंक्शन है हमारा f, ये है फ्रॉम a टू b, एक फंक्शन है g फ्रॉम b टू c। तो जैसे सपोज करो मैंने ये कहा कि एक फंक्शन है हमारा a टू b, ये है f, और एक फंक्शन है हमारा b टू c, ये वाला, और ये है सपोज करो g। तो जो फंक्शन हमारा a से लेके c पे डिफाइन होगा, a से c पर डिफाइन होगा, यानी कि जो फंक्शन है अब उसका डोमेन a होगा और कोडोमेन c होगा, अगर a से c पर जो फंक्शन डिफाइन होगा डायरेक्ट, उसे कहेंगे हम GOF, GOF, और इसको लिखेंगे, ये इसका सिंबल हो गया a टू c, तो ये कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस a और c हो गया, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस गॉफ आ गया a टू c। अगर सपोज करो ऐसे होता, ये वाला फंक्शन होता a से b, अगर ये g होता, ये f होता, तो अब जो a से c पर डिफाइन होता, तो इसे कहेंगे f o g, fog from a to c। ये जो गॉफ होता है, इसका जो डोमेन होगा, इसका इसका डोमेन वही होगा जो डोमेन ऑफ ए है, गॉफ का डोमेन, डोमेन ऑफ गॉफ, क्या होगा, डोमेन ऑफ एफ, डोमेन ऑफ फॉग, डोमेन ऑफ फॉग, ये क्या होगा, डोमेन ऑफ जी।
इसी के साथ में ये फंक्शन तभी डिफाइन होगा जब रेंज ऑफ एफ, दूसरी कंडीशन इसके लिए ये है कि रेंज ऑफ एफ शुड बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। रेंज ऑफ एफ शुड बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी, तभी ये डिफाइन होगा। जैसे यहां पर रेंज ऑफ जी शुड बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ। ये कंपोजिट ऑफ टू फंक्शंस होता है। कंपोजिशन का मतलब ये होता है कि अगर मैं इसको सिंपल समझाऊं कि अगर जैसे हमारे पास दो तीन मशीनें होती हैं, अब दो तीन मशीनों में क्या होता है कि जैसे सपोज करो हमने की कोई एलॉय निकाली, अर्थ में से कोई एलॉय निकाली, उस एलॉय को एक मशीन में डाला। उस मशीन में डाल करके जैसे ये एलॉय है, इसको मैंने एक्स कहा, ये इस मशीन में डाल दिया। एलॉय जो होगी वो क्या बन जाएगी, मेटल, प्यूरिफाई होके मेटल बन गई। और उस मेटल से आपने आगे चल करके दूसरी मशीन आ गई, उस मेटल से आपने क्या बना दी, कोई मेटल से क्या बना दिया आपने, कोई दूसरी चीज बना दी, कोई नई चीज बना दी, कोई नया आर्टिकल बना दिया। तो यहां से आप देखो, यहां पे आपने एक्स को इनपुट किया, तो ये जो चीज यहां से निकलेगी, ये वाली, इसको हम एफ एक्स कहेंगे, क्योंकि ये मशीन है यहाँ, ये वाली मशीन थी, इस मशीन में एक्स को इनपुट किया, तो यहां से रिजल्ट आ गया एफ एक्स। अब इस एफ एक्स को दोबारा दूसरी मशीन में इनपुट कर दिया, तो यहां से जो रिजल्ट आएगा, यहां से, तो वो क्या रिजल्ट आ जाएगा, सपोज करो ये वाली मशीन एफ है, ये वाली मशीन जी है, तो वो आ जाएगा जी एफ एक्स आ जाएगा। दोबारा सुनो, यहां से मैंने इसमें रॉ मटेरियल ऐड किया और ये मशीन एफ है, तो यहां से मैंने इसमें रॉ मटेरियल एक्स को इनपुट किया, तो एफ एक्स निकल गया। अब जो ये एफ एक्स निकला, इस एफ एक्स को मैंने दूसरी वाली मशीन में इनपुट कर दिया, तो यहां से कोई आर्टिकल तैयार हो जाएगा। तो इनपुट तो मैंने एफ एक्स किया है और मशीन जी है, तो जी मशीन से एफ एक्स निकल गया। इस तरह से ये वर्क करता है कंपोजिट फंक्शन। तो ये जो एफ एक्स होगा, ये वाला, ये एफ एक्स यहां इनपुट करके जी मशीन से, तो ये तब जी एफ एक्स बना। अब इसके ऊपर जैसे आप क्वेश्चंस देखो, आप फॉग निकालना है हमको, कैसे निकालोगे फॉग, देखो इसको आप लिखोगे, फॉग निकालना है तो आप इसको लिखो एफ जी एक्स, यहां पे जी एक्स की वैल्यू डाल दो 2x+1, तो ये आ जाएगा एफ 2x+1। अब जो ये एफ एक्स है, ये है एफ एक्स, ये है एक्स स्क्वायर, एक्स के प्लेस पर इसमें डाल दो 2x+1, तो ये आ जाएगा 2x+1 का होल स्क्वायर, ये आ गया एफ जी एक्स। अब आप फाइंड करिए गॉफ, तो गॉफ को क्या लिखेंगे आप, जी एफ एक्स। एफ एक्स की वैल्यू डाल दो, एफ एक्स की वैल्यू डालो, एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर। अब जी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालो, तो ये वाला फंक्शन है जी एक्स के प्लेस पे एक्स स्क्वायर पुट कर दो, तो ये आ जाएगा 2x² + 1।
गॉफ और फॉग दोनों इक्वल आ गए? क्या गॉफ और फॉग दोनों इक्वल है? नो। तो इससे क्या रिजल्ट निकला कि ये प्रॉपर्टी होती है कि जो गॉफ और फॉग है, गॉफ इज नॉट इक्वल टू फॉग, यानी कि ये कॉम्यूटेटिव नहीं होता, ये कॉम्यूटेटिव नहीं होता। गॉफ कंपोजिट ऑफ फंक्शंस कॉम्यूटेटिव नहीं होता, गॉफ और फॉग इक्वल नहीं होते, एसोसिएटिव होते हैं। अगर तीन फंक्शन है तो एसोसिएटिव होते हैं वो बताता हूं मैं। एक और एग्जांपल करके देखो आप लोग अभी। गॉफ निकालना है, गॉफ देखो दो फंक्शन है, एक जो फंक्शन है एफ वो यहाँ डिफाइन है, इसका जो डोमेन है वो 2 3 4 5 है और ये कोडोमेन है। दूसरा फंक्शन है यहाँ से इस पे डिफाइन है और ये उसकी इमेजेस दे रखी हैं, तो आपको गॉफ निकालना है। अगर मैं इसको इस तरह से बना के देखूं, ऐसे समझना चाहूं मैं, तो गॉफ निकालना है तो ये वाला जो होना चाहिए ये एफ होगा और ये क्या होगा, जी होगा। इसका जो डोमेन होगा एफ का वो 2 3 4 5 है, 2 3 4 5, और ये कहाँ पे डिफाइन है, 3 4 5 9, तो 3 4 5 9, ये 3 4 5 9 है और ये 7 11 15 है। तो इसमें देखो एफ 2 इक्वल टू 3 है, इसका मतलब ये हुआ कि जो 2 का इमेज है वो 3 है, यानी 2 जो है वो 3 से कनेक्ट है, एफ 3 4 है ये ऐसे कनेक्ट है, एफ 4 5 है, एफ 5 ये भी 5 है। अब मुझे ये बताओ जो फंक्शन एफ है उस फंक्शन एफ का रेंज क्या हुआ, फंक्शन एफ का रेंज क्या है, फंक्शन एफ का रेंज हुआ 3 4 5 और फंक्शन जी का डोमेन क्या है, फंक्शन जी का डोमेन, फंक्शन जी का डोमेन 3 4 5 9 है। तो थोड़ी देर पहले अभी बताया था मैंने कि जो रेंज ऑफ एफ है वो सबसेट होना चाहिए डोमेन का, जी का, जी के डोमेन का, तो यहाँ सबसेट है, एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, रेंज ऑफ एफ सबसेट है डोमेन ऑफ जी का, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई एक। अब यहाँ पे आगे देखो G3, जो G3 है इसका 7 है इमेज और G4 का भी 7 है, G5 का 11 है और 9 का भी 11 है, ये बना। तो यहां से हमको गॉफ पता लग रहा है कि गॉफ का जो रेंज आएगा वो क्या आएगा, 7 और 11 आएगा, ये तो हमारा डोमेन से इससे पता लग गया, इससे पता लग गया हमारा कि जो डोमेन आएगा इसका जो डोमेन होगा वो 2 3 4 5 होगा, किसका, गोफ का, और जो रेंज आएगा वो 7 और 11 आएगा, ये रेंज आएगा 7 और 11, ठीक है, ये तो वेन डायग्राम से पता लग गया हमको। लेकिन अगर ऐसे फाइंड करेंगे हम पूरा लिख करके, तो जैसे गोफ है तो आप लिखोगे जो गोफ, तो इसका जो पहला एलिमेंट है वो 2 है, गॉफ का डोमेन वही होगा जो एफ का डोमेन होगा, एफ का डोमेन ये 2 है, तो यहां लिखोगे आप 2, इसका मतलब हो गया GF2, GF2 का मतलब क्या हो गया, F2 आपको दे रखा है 3 और G3, G3 आ गया 7, इसका मतलब ये हुआ जो 2 एलिमेंट है
उसका इमेज 7 होगा। देखो टू एलिमेंट है, उसका इमेज ये कनेक्ट हुआ, ये यहाँ कनेक्ट हुआ, तो टू का इमेज 7 हुआ, टू का इमेज 7 हो गया। अब आगे देखो जी ओ एफ, अब इस थ्री थ्री का इमेज चेक कर रहे हैं हम, तो जी एफ थ्री, तो जी एफ थ्री देखो एफ थ्री यानी कि इमेज ऑफ थ्री अंडर एफ, इमेज ऑफ थ्री अंडर एफ, एफ थ्री होगा फोर, यहाँ फोर, और जी फोर, फोर का इमेज अंडर जी वो होगा 7। तो इससे ये पता लगा जो थ्री एलिमेंट होगा थ्री का इमेज 7 होगा, है कि नहीं? थ्री का इमेज 7 है, टू का इमेज 7, थ्री का इमेज 7 आ गया, आ गए गॉप थ्री। अब नेक्स्ट है एलिमेंट है फोर, तो इसको निकालोगे जी एफ फोर, अब एफ फोर बताओ कितना होगा, इसको लिखोगे जी एफ फोर, तो जी एफ फोर कितना है 5, और जी 5 कितना है 11, तो यानी कि जो फोर होगा फोर का इमेज 11 हो गया। नेक्स्ट गॉफ ऑफ लास्ट एलिमेंट है 5, तो जी एफ 5, और एफ 5 कितना है, एफ 5 ये हो गया, एफ 5 कितना है 11, ये हुआ एफ 5 कितना है 5, और जी 5 कितना हो जाएगा फिर जी के अंडर में एफ का 11। तो कुल मिलाकर के आपने देखा ये चार एलिमेंट थे जो डोमेन में थे, उन सब का जो रेंज आया है, इमेज आई है, वो एक 7 आई है, एक 11 आई है। तो जो गॉफ हुआ फंक्शन उसका रेंज क्या हुआ, 7 और 11 हुआ, ये रेंज आ गया 7 और 11। कोई डाउट है इसमें किसी को, कोई प्रॉब्लम है इसमें किसी को? देखो ये सपोज करो ए सेट है और ये सेट बी है, तो फंक्शन ए सेट से बी सेट पर डिफाइन है, ए सेट में ऑल रियल नंबर्स आएंगे 7/5 को छोड़कर, बी सेट में ऑल रियल नंबर्स आएंगे 3/5 को छोड़कर। इसी तरह से ये वाला जो जी सेट है वो बी से ए पर डिफाइन है, ये एफ एक्स हो गया, ये जी एक्स हो गया। अब हमें गॉफ निकालना है, गॉफ निकालना है, कैसे लिखेंगे इसको, जी एफ एक्स, जी एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एफ एक्स की वैल्यू 3x+4, 5x-7, ये एफ एक्स की वैल्यू आ गई। अब ये बन रहा हमारा जी एक्स, एक्स के प्लेस पर, इसमें एक्स के प्लेस पर ये पुट कर दो, जी एक्स में इसमें जहां भी एक्स आ रहा है वहां पर 3x+4/5x-7 पुट कर दो, तो ये बन जाएगा 7 3x+4/5x-7 +4/5 3x+4 5x-7 -3। एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, तो इसको इक्वल आ जाता है एक्स के, और आप जानते हो कि ये फंक्शन जो गॉफ एक्स है जी एफ एक्स वो एक्स के इक्वल आ गया, इसका मतलब ये आइडेंटिटी फंक्शन हुआ। और जो एलिमेंट हम यहां पर लेंगे एफ का, जैसे अगर मैंने यहां पर 1 लिया होता x के प्लेस पे 1 लिया होता तो ये भी 1 ही आता, x के प्लेस पे 2 लिया होता तो ये भी 2 आता,
थ्री लिया होता तो ये भी थ्री आता, यानी कि इसमें जो डोमेन होगा वही रेंज होगा, या मैं ये कहूँ जो इमेज होगी वही प्री इमेज, इमेज और प्री इमेज दोनों बराबर होंगी, दोनों ही सेम होंगी इमेज और प्री इमेज। तो ये जो एक्स आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, आइडेंटिटी फंक्शन, किस वाले फंक्शन का डोमेन है, तो इसे लिखेंगे आई ए, इसको लिखेंगे आई ए, क्योंकि ए सेट से आया है। अब जैसे गॉफ मैंने फाइंड किया है, अब आप फॉग फाइंड कर लो, तो इसको अगर करते हैं हम फॉग, इसको लिखेंगे एफ जी, जी एक्स की वैल्यू डाल दो, जी एक्स की वैल्यू आ गई 7x+4 डिवाइडेड बाई 5x-3, ये एफ एक्स बन गया। अब एफ एक्स में जहां पर एक्स आ रहा है वहां पर एक्स के प्लेस पर 7x+4 डिवाइडेड बाई 5x-3 पुट कर दो, तो इसमें ये पुट करेंगे 3 × 7x+4 डिवाइडेड बाई 5x-3 + 4 डिवाइडेड बाई 5 7x+4 5x-3 -7, और जब इसे सॉल्व करते हैं तो ये भी एक्स आया। दिस इज ऑल्सो आइडेंटिटी फंक्शन, लेकिन अब ये कौन बता रहा था कि अभी हमारा ये आइडेंटिटी फंक्शन आ गया। जैसे एक सेट ए था एक बी था, मैंने फोग गॉफ फाइंड किया, फोग फाइंड किया, और ये जो डेफिनेशन होगी यही डेफिनेशन अब हमारी यूज होने वाली है किसमें, आगे चल के जब हम इनवर्स फाइंड करेंगे, क्योंकि तो अभी हमने पढ़ना है कि इनवर्स फंक्शन क्या होता है, उसमें आपका फोग और इक्वल टू गॉफ होगा, इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन, ये इनवर्स फंक्शन की डेफिनेशन है कि अगर फोग इक्वल टू गोफ, फोग इक्वल टू गोफ और इक्वल टू एक्स आ रहा हो, जैसे यहां पे आ रहा है ना, गोफ इक्वल टू फोग आ रहा है, गोफ इक्वल टू फोग आ रहा है और इक्वल नेगेटिव टू एक्स आ रहा है, आइडेंटिटी फंक्शन। अगर ऐसा कहीं भी होगा तो जो जी फंक्शन होता है वो एफ का इनवर्स होता है, ही इज इनवर्स ऑफ एफ, या आप ये भी कह सकते हो एफ इज इनवर्स ऑफ जी। ये इनवर्स फंक्शन, यानी कि हमारा जो एफ होगा वो इनवर्टिबल फंक्शन होगा। एफ कैसा फंक्शन होगा, इनवर्टिबल फंक्शन, उसे इनवर्टिबल फंक्शन कहते हैं, और तब उसे लिखते हैं जी इक्वल टू एफ इनवर्स। जो मैंने एग्जाम्पल बताया आपको वो इसलिए बताया, आगे चल के समझ में आएगा आपको। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है बेटा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स ही तो होता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि इमेज और प्री इमेज सेम होगी, डोमेन और रेंज सेम होगा, उसी को आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। आइडेंटिटी फंक्शन नाम रखा हुआ है, आइडेंटिटी कार्ड या ऐसी कोई चीज नहीं होती है, पहचान इसकी। आइडेंटिटी फंक्शन ओके किसको सर, कहा गया है कि जो उसका इमेज होगा वही उसका प्री इमेज होगा, जो उसका डोमेन होगा वही उसका रेंज होगा। अब जैसे मैंने फॉग निकाला था, अगर मैं यहाँ पर एक्स की वैल्यू 1 रखूंगा, एक्स की वैल्यू 1 रखी तो यहाँ पर जो इसे सॉल्व करके भी आएगा तो वो 1 ही आएगा। इसका डोमेन मतलब रेंज क्या क्या है? हुआ कि 1 डोमेन का रेंज में, इमेज 1 आ गया, एक्स अच्छा का डोमेन इमेज रेंज 2 इक्वल आ है, डोमेन गया। रेंज सेम आ गया सर। हाँ, डोमेन और रेंज सेम आ गया, यही बता रहा हूँ मैं कि डोमेन और रेंज सेम आएगा, ठीक है, इमेज और प्री इमेज सेम आएगी, समझ गया सर, समझ गया। समझ गए। तो ये जो आया तो यहाँ पर हमने इसे आई बी क्यों लिखा, इंटेलिजेंस ब्यूरो नहीं है ये, आई बी क्यों लिखा इसको, डोमेन रेंज सेम है सर, आइडेंटिटी अच्छा है वो बी के। अरे आइडेंटिटी फंक्शन तो इसलिए लिखा है कि एक्स आया,
बी क्यों लिखा? बी की आइडेंटिटी फंक्शन, बी से। अरे बेटा बी इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ बी है ना, जी जी, तो जी का जो डोमेन है, जी का जो डोमेन है वो बी सेट था। यस, जी कहाँ पे डिफाइन था? यहाँ पे लिखा था ना मैंने बी टू ए, बी सेट पे। यस सर। तो यहाँ जो इसमें आएगा, जो जी का जो डोमेन था वो बी सेट था, तो इसका रेंज भी वही आ जाएगा, बी सेट। आइडेंटिटी फंक्शन जो जी का डोमेन, यस सर, यस सर, क्लियर है। जो जी का डोमेन था वही आएगा। और आई ए लिखा है, आई ए क्यों लिखा है? ए के लिए लिखा है सर। ए, तो जो ए सेट था उसी के एलिमेंट आएंगे, रेंज में ए के ही एलिमेंट आएंगे, इसलिए उसे ए लिखा था। बन आ गया। और वो है सारे रियल नंबर आएंगे, लेकिन सारे रियल नंबर तो आएंगे बट वो रियल नंबर जीरो से लेके वन तक होंगे। अब फंक्शन डिफाइन किया है कहाँ पर? ए से ए पर डिफाइन किया है। दो सेट नहीं है अब, ए और बी दो सेट नहीं है, अब फंक्शन ए से ए पर डिफाइन है। तो अगर ए से ए डिफाइन है, और कैसे है फंक्शन? एक्स है, जब एक्स रैशनल नंबर है, और वन माइनस एक्स है कब? जब वो रैशनल नंबर नहीं है। तो आपको एफ ओ एफ एक्स निकालना है। दो केस बनेंगे, एक केस तो तब बनेगा जब x को हम रैशनल लेंगे, दूसरा केस तब बनेगा जब हम x को इरेशनल लेंगे। तो x को इरेशनल, x को जब हम क्या ले रहे हैं? रैशनल ले रहे हैं, पहला केस। तो अब f ऑफ एफ एक्स कैसे निकलेगा भाई? जरा निकालो f ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स की वैल्यू क्या लोगे? एफ एक्स की वैल्यू क्या लोगे? अगर एक्स रैशनल है तो एफ एक्स आप एक्स लोगे, तो ये आ गया एफ एक्स। और एफ एक्स किसके इक्वल हो जाएगा? एक्स के। देखो इक्वल आ गया एक्स के। तो क्या ये आइडेंटिटी फंक्शन हो गया? यस सर। फॉर ऑल ए? यस सर। दूसरा केस आएगा आपका कि एक्स डज नॉट बिलोंग टू क्यू। अब आप एफ ओ एफ एक्स निकाल दो भाई, तो ये हो गया एफ ओ एफ एक्स। एफ एक्स की वैल्यू बताओ? माइनस एक्स होगी, करेक्ट। फिर वन माइनस एक्स हो जाएगी। अब एफ वन माइनस एक्स कैसे निकलेगा? एक्स इंटू वन माइनस, क्या रख दोगे अब? एफ वन माइनस एक्स। अब ये जो वैल्यू है, जो x does not belong to q, इस 1 minus x में, ये है fx। तो यहाँ x की जगह क्या रखेंगे? तो कौन से वाले में? इसमें या इसमें? नीचे वाले में, ऊपर वाले में? x, x में थोड़ी आएगा, नीचे वाले में आएगा। x does not belong to q, yes sir, नीचे वाले, नीचे वाले में आएगा। तो नीचे वाले में कैसे आ जाएगा ये? 1 minus, और x की जगह पर क्या आएगा? x की जगह 1 माइनस x। एक्स वैल्यू निकालनी है ना हमको, इसमें रखेंगे ना x की जगह 1 माइनस x, तो कौन सा वाला यूज करेंगे? ये वाला। तो 1 का 1 माइनस x के प्लेस पे 1 माइनस x, 1 का 1 माइनस x के प्लेस पे 1 माइनस x, 1 से 1 कैंसिल, इक्वल टू x आ गया। देखो आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। यही प्रूव करना था हमको कि ये आइडेंटिटी फंक्शन होगा या नहीं होगा। क्लास होगी तुम्हारी, आगे कराएंगे कल इससे आगे। तो आप लोग एनसीईआरटी से करना क्वेश्चंस, कंपोजिट वाले फंक्शंस जो है एग्जांपल करना और इसके क्वेश्चंस करना, एनसीईआरटी प्लस एलिमेंट। अरे एक बार एक केस बता दो अच्छे से। ये वाला केस, सेकंड सेकंड केस में एक्स, ये जो सेकंड केस में ये दो वैल्यू दे रखी है ना फंक्शन की, तो इरेशनल वाले के लिए जब हम फाइंड करेंगे तो एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पर हमने 1 माइनस एक्स रख दी। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, एफ 1 माइनस एक्स की वैल्यू। तो एफ 1 माइनस एक्स की वैल्यू कहाँ से निकलेगी? या तो मैं इसको यूज करूँ, इस एक्स को रिप्लेस कर दूंगा 1 माइनस एक्स से, तो यहाँ रिप्लेस करूंगा, तो यहाँ रिप्लेस भी तो करूंगा,
यस सर। वन माइनस एक्स के प्लेस पे वन माइनस एक्स लिख दिया, एक्स के प्लेस पर वन माइनस एक्स लिख दिया तो क्या आएगा, वन माइनस एक्स, सॉल्व कर दो एक्स आ जाएगा। क्लियर हो गया? ओके बाय, करके आना बेटा, काम करके आना। चेक करने का कुछ ना कुछ करते हैं इसको ना, अभी मंगवाते हैं। एनसीईआरटी में से कौन सी एक्सरसाइज करनी है बेटा? ये फॉग और गॉफ वाले एग्जांपल और प्लस उससे एक्सरसाइज, थर्ड एक्सरसाइज होगी शायद, है ना? हाँ, सेकंड या थर्ड, सेकंड और थर्ड में। एनसीईआरटी से सर? एनसीईआरटी प्लस एलिमेंट से कर लेना प्रैक्टिस पहले। ओके सर। हाँ।